हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है वो है कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है हम लेके आए हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। ठीक है, तो इसमें हमने सेक्शन वाइज जैसे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, हमने पूरे 120 क्वेश्चंस रखे हैं और हर सेक्शन को जो है उसी मुताबिक हमने क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो आप अपना स्कोर जो है वो जरूर चेक कीजिएगा कि आपके ओवरऑल 120 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको जो है एक तरह से आप एनहेंस कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, और जो स्कोर है वो एंड में कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके सेक्शन में से। ठीक है, तो इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली अ हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन कारगिल टू श्रीनगर हैज स्टार्टेड बाय यूजिंग विच मॉडल ऑफ हेलीकॉप्टर। तो अभी कारगिल और श्रीनगर के बीच में हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये कौन से मॉडल ऑफ हेलीकॉप्टर से स्टार्ट की गई है? ए MI-17, बी पवन हंस MI-17, सी मिग वायुयान एंड डी अपाचे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पवन हंस MI-17। हम स्पीड में ही रखेंगे क्वेश्चन आंसर क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो इसलिए बीच में जो है एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड बिकॉज दिस इज अ मॉक टेस्ट। सो डायरेक्ट आंसर्स होंगे आपके क्वेश्चंस के साथ, तो अपना अपना जो है आप स्कोर जो है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन जेएंडके इज कंसिडर्ड एज आनंद ऑफ कश्मीर एंड दूधाकुल। ठीक है, जेएंडके के कौन से डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर और दूधाकुल कहा जाता है? ए पुलवामा, बी अनंतनाग, सी शोपियां, डी गांदरबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है और दूधाकुल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम ओवर डल लेक इज ऑफ विच बैंक इज ऑन विच बैंक। ठीक है, तो कौन से बैंक की जो है एटीएम बनी है डल लेक पे? ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम एवर ऑन डल लेक। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है जेएंडके बैंक, बी एचडीएफसी, सीपीएनबी, डी एसबीआई। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह देखा गया है क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं पुराने जेके एसएसबी के कंपाइलर असिस्टेंट कंपाइलर वगैरह के सब ऑडिटर के, तो उनमें भी एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम जो है वो कहाँ पे कौन से बैंक का बनाया है डल लेक पे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखनूर फोर्ट इज बिल्ट नियर विच रिवर इन जेएंडके। अखनूर फोर्ट जो है आपको पता है कहाँ पे है, वो कौन से रिवर पे बनाया गया है, कौन से बैंक ऑफ द कौन से रिवर पे है? ठीक है, ए जेलम, सी चनाब, बी चनाब, सी नीलम, डी मानसर। तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चनाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी फ्लो क्या होता है? ए बाय डायरेक्शनल, बी मल्टी डायरेक्शनल, सी यूनि डायरेक्शनल, डी ट्राई डायरेक्शनल। फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनि डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? ए चार्ल्स अल्टॉन, बी फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, सी मार्शल, डी हिग्स एंड एलन। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने दी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की थ्योरी। और चार्ल्स अल्टॉन आपको पता है कौन है? अल्टोनियन पिरामिड्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज करेक्ट फॉर इंडिकेटर स्पीशीज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इंडिकेटर स्पीशीज को अच्छे से एक्सप्लेन करती है? फर्स्ट है, दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट चेंजेस। सेकेंड, और दे आर ऑलमोस्ट इमिडिएटली इफेक्टेड बाय एनी चेंज टू द इकोसिस्टम। थर्ड, दी सर्व एज अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली थ्री, बोथ टू एंड थ्री, सी वन टू एंड थ्री एंड डी नन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है इंडिकेटर स्पीशीज को ही बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंग्लिश प्रेजिडेंट कौन थे, ये आपने ध्यान में रखना है। ए है लॉर्ड कर्जन, बी जॉर्ज गैरी, सी अर्मिनो ग्रे एंड डी जॉर्ज यूल। तो एट्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज यूल। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि कौन पहले प्रेसिडेंट थे हमारे आईएनसी के। ठीक है, जो सेशंस हुए थे पहले प्रेसिडेंट कौन थे और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है ये बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर एफर्ट ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज? ए नेहरू रिपोर्ट, बी जिन्ना 14 पॉइंट, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, डी कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये सबको पता होगा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो पहला एफर्ट था ओनली इंडियंस का टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ हैदराबाद पुलिस एक्शन इन सितंबर 1948? कोड नेम क्या था हैदराबाद पुलिस एक्शन का? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, सी ऑपरेशन पोलो, डी ऑपरेशन हैदराबाद। तो टेंथ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन पोलो।
ऑपरेशन विजय कौन सा था ये मुझे बताना आप, ठीक है, कमेंट करके। 11th क्वेश्चन, पॉन्डिचेरी चेंज इट्स ऑफिशियल नेम टू पुडुचेरी ऑन, ऑप्शन नंबर ए 2008, बी 2006, सी 2009, डी 2001। तो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2006, ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट शिमला टू टिबेट, टिबेट के साथ शिमला को कौन सा पास कनेक्ट करता है, ए बारालाचा, बी रोहतांग, सी शिपकिला, डी मना पास। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिपकिला पास, ठीक है। 13th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच रेंज हैज बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जंस्कार, डी ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी जो है रेंजेस हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले ही फाउंड की गई थी। 14th, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, ए अनाईमुडी, बी गुरुशिखर, सी पारसनाथ, डी रायसेना। तो 14th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी गुरुशिखर, ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज की हाइएस्ट पीक है गुरुशिखर। रायसेना हिल्स कहाँ पे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बीच में पूछ रही हूँ तो जिनको इनका आंसर नहीं पता आपके कमेंट की वजह से उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोआब फॉर्म बिटवीन चेनाब एंड जेलम इज नोन एज, ए छज, बी रचना, सी बारी, डी सिंध। तो 15th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छज, ठीक है। सिंध डोआब कौन से रिवर्स के बीच में फॉर्म होता है ये कमेंट कीजिए। 16th, द रिवर यमुना ज्वाइंस गंगा एट, ए अमरकंतक, बी मध्य प्रदेश, सी अलाहाबाद, डी देवप्रयाग। तो यहाँ पे आप देवप्रयाग में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 16th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाहाबाद। 17th, मजुली आइलैंड इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मजुली आइलैंड कौन से स्टेट में फाउंड होते हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी असम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम, ठीक है। और मजुली आइलैंड कौन से रिवर से बनते हैं ये भी कमेंट कीजिए, सबको पता ही होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 18th, इन द नॉर्थर्न साइड विंड्स मूव इन राइटवर्ड डायरेक्शन एंड इन साउदर्न साइड विंड्स मूव इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ए कोरियोलिस फोर्स, बी ग्रेविटी, सी मॉनसून, डी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो किसकी वजह से जो है ये विंड्स की मूवमेंट होती है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोरियोलिस फोर्स। 19th क्वेश्चन, इन समर्स द कंट्री एक्सपीरियंसेस साउथ वेस्ट मानसून एंड इन विंटर्स कंट्री एक्सपीरियंसेस, ए साउथ वेस्ट मानसून, बी साउथ ईस्ट मानसून, सी नॉर्थ ईस्ट मानसून, डी नॉर्थ साउथ मानसून। तो 19th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, जिसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं, आपको पता है ये हमारे मेडिटेरियन सी की वजह से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है वो हमारे जे एंड के में है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। 20th क्वेश्चन, हु गेव द फाइव स्टेजेस मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ए रोनल्ड फिशर, बी सीपी ब्लैकर, सी वॉरेन थॉम्सन, डी जॉन ग्रंट। तो 20th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपी ब्लैकर ने फाइव स्टेजेस मॉडल जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का दिया है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोला जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, विच हेरिटेज साइट डिपिक्ट द फाइन ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो कौन सा हेरिटेज साइट है जो कि ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है, ए हम्पी, बी अलोरा, सी अजंता, डी द्रविड़ा। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम्पी। 22nd, विच वेटलैंड रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड एंड इट कम्स अंडर रामसर साइट, तो जिनको रामसर साइट्स का पता होगा जे एंड के में कितनी हैं तो वो तो इसका आंसर लगा सकते हैं क्योंकि उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो ए है वुलर, बी मानसर, सी होकरसर, डी हैगाम। तो इनमें से वुलर और होकरसर जो है मानसर ये तीनों रामसर में आते हैं, ठीक है। तो होकरसर जो है 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी कहा जाता है। 23rd, पकलदुल डैम इज द बिगेस्ट डैम इन जे एंड के कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, पकलदुल डैम जो है वो जे एंड के का बिगेस्ट डैम है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपने मेरी जो डैम्स वाली वीडियो थी वो देखी है तो आपको राइट आंसर पता होगा, ए है बांडीपोरा, बी किश्तवाड़, सी बारामूला, डी डोडा। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किश्तवाड़, ठीक है। पकलदुल डैम कौन से रिवर पे बनाया है ये कमेंट करके बताओ मुझे। 24th क्वेश्चन, द फर्स्ट रूलर ऑफ रजौरी एज पर राज तरंगनी ऑफ कल्हाना इज, ए पृथ्वीराज, पृथ्वीराज बी रहीम उल्ला खान, सी सुचेत सिंह, डी पृथ्वी पॉल। तो 24th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पॉल वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी एज पर राज तरंगनी ऑफ कल्हाना। राजौरी को और किस नाम से जाना जाता है सबको पता होगा, लैंड ऑफ किंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे राजौरी के ये कमेंट कीजिए, पता होना चाहिए, ये अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें क्वेश्चन आया भी है। 25th क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, तो
तो कौन सा सेक्शन जो है वो सैलरीज और अलाउंसेस से डील करता है? ए है सेक्शन 31, बी सेक्शन 51, सी सेक्शन 21, डी सेक्शन 41. तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 31. 26 क्वेश्चन, विच फोक डांस ऑफ J&K रिजेंबल्स द भांगड़ा ऑफ पंजाब एंड इज मोस्टली परफॉर्म बाय वतल्स? तो कौन सा डांस फॉर्म J&K का जो है वो भांगड़ा से रिसेंबल करता है, ठीक है, जो पंजाब में परफॉर्म किया जाता है? ए है हाफिज नगमा, बी रोफ, सी दुम्बाड़ी और डी गीतरू. तो 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी दुम्बाड़ी. ठीक है, गीतरू जो है वो जम्मू रीजन में होता है, ठीक है, डोगरी कल्चर में. 27th है, नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर स्पेसिफाइड बाय विच कलर माइलस्टोन्स? तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसमें, ट्रांसपोर्ट में से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बट हो सकता है JKSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है. तो नेशनल हाईवेज जो है वो कौन से कलर के माइलस्टोन से बनाए हैं? ए है येलो व्हाइट, बी ग्रीन व्हाइट, सी ब्लैक व्हाइट एंड डी ऑरेंज व्हाइट. तो 27th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, येलो एंड व्हाइट. 28th, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हंगुल डियर? हंगुल डियर जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? ए एंडेंजर्ड, बी वल्नरेबल, सी एक्सटिंक्ट, डी क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो 28th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. मुझे कमेंट करके बताओ कि हंगुल डियर कौन से नेशनल पार्क में जो है J&K के पाया जाते हैं, ठीक है. 29th, व्हीट बार्ले पीज आर ए खारिफ क्रॉप्स, बी राबी क्रॉप्स, सी जैद क्रॉप्स और डी फूड क्रॉप्स. तो व्हीट बार्ले पीज कौन सी क्रॉप्स होती हैं? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राबी क्रॉप्स. ठीक है, ये जो है ये हंगुल डियर वाला क्वेश्चन जहाँ से आया है ये मैंने आपको जो नेशनल पार्क्स वाली वीडियो है अभी रिसेंट मैंने ये सब NCQs करवाए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे जी के सेक्शन से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीव्ड एज अ यूनिक वॉर मेमोरियल एट बाहुवाली रख नियर बाहू फोर्ट बाय इंडियन आर्मी? ए अमर जवान ज्योति, बी बुलंद ज्योति, सी बलिदान स्तंभ, डी बाहू स्तंभ. तो 30th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बलिदान स्तंभ. ठीक है, अब आता है हमारा अकाउंटेंसी का सेक्शन, तो इसमें भी हमने 30 क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? इनमें से क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? ए गेव 1000 rupees टू सन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, बी पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज 10,000, सी बॉट मशीनरी फॉर बिजनेस 8,000 एंड डी गेव सन्स फीस फ्रॉम बिजनेस 1000 rupees. ठीक है, तो इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिव 1000 rupees टू सन फ्रॉम पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट इज शोन बाय? एक पर्टिकुलर डेट पे जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी ट्रायल बैलेंस, सी डी PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो 32 का राइट आंसर सबको पता होगा कि एट अ पर्टिकुलर डेट जो है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, 33 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, ये सबको आना चाहिए. ए है ल्यूकस पैसियोली, बी चार्ल्स एल्टन, सी मार्शल, डी हिक्सन एलन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकस. ठीक है, 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनटैंजिबल एसेट? इनमें से क्या इनटैंजिबल है? इनटैंजिबल और टैंजिबल एसेट सबको पता होंगे जिन्होंने बेसिक्स जो है पढ़े हैं अकाउंटेंसी के. तो ऑप्शन नंबर ए है स्टॉक्स, बी बिल्डिंग, सी मशीनरी, डी गुडविल. तो इनमें से इनटैंजिबल क्या है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुडविल. 35, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड? पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ए ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, सी बोथ, डी नन. तो इसको कहते हैं 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एट द टाइम ऑफ सेल होता है. ठीक है, 36 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एजम्पशन? इनमें से क्या एजम्पशन है, प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ये पूछा है. तो ए है मनी मेजरमेंट, बी मटेरियलिटी, सी गोइंग कंसर्न एंड डी प्रूडेंसी. तो इनमें से कौन से एजम्पशन है अकाउंटेंसी की? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोइंग कंसर्न. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इनको GCA भी बोलते हैं. ठीक है, गोइंग कंसर्न, एक्रुअल मेथड और कंसिस्टेंसी. तो ये तीनों अजम्पशन से, बाकी सब जो है वो प्रिंसिपल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिजनेस इफ अ पार्टनर ए हैज लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनर बी हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज? ए लिमिटेड पार्टनरशिप, बी पार्टनरशिप एट विल, सी ओरल पार्टनरशिप, डी नन. ये क्वेश्चन जो है पंचायत अकाउंट सिस्टम के एग्जाम में पूछा गया है. तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड पार्टनरशिप. अगर एक पार्टनर की लिमिटेड है लायबिलिटी और दूसरे की अनलिमिटेड है तो इसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप.
38 अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू ए कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, बी लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, सी एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, डी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. 39 व्हेन अ कैपिटल इज इंक्रीज्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द, जब कैपिटल इंक्रीज होता है वो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है, ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी लेफ्ट साइड, डी नन. तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट साइड. 40 क्वेश्चन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज फॉर्मूला फॉर. तो ये अकाउंटिंग फॉर्मूलाज जो हैं ये कौन से फॉर्मूला में आता है जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ए है पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन. तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट. 41 द वाउचर्स इशूड एट द टाइम ऑफ पेमेंट आर, पेमेंट के टाइम पे जो वाउचर इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ए डेबिट वाउचर, बी क्रेडिट वाउचर, सी सपोर्टिंग वाउचर, डी ट्रांसफर वाउचर. तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेबिट वाउचर. 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ए बैलेंस शीट, बी बीआरएस, सी ट्रायल बैलेंस, डी जर्नल. तो इनमें से क्या है जो कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल बैलेंस. ठीक है, इट्स अ स्टेटमेंट. 43 क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन विच टाइप ऑफ कैश बुक, ए सिंगल कॉलम, बी डबल कॉलम, सी ट्रिपल कॉलम, डी बोथ बी एंड सी. तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी. ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तो दोनों साइड पे एंट्री होती है. ठीक है, जो बैंक कॉलम में भी होगी ऑन द डेबिट साइड और कैश कॉलम में भी, और फिर क्रेडिट साइड में. वैसे तो कैश बुक में आपको पता है रिसीप्ट और पेमेंट ही होती है, तो उसके दोनों साइड पे जो एंट्री होती है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. 44th, कैश बुक इन्वॉल्व्स ए पेमेंट एंड रिसीप्ट्स, बी पेमेंट ओनली, सी रिसीप्ट ओनली, डी प्रॉफिट एंड लॉस. तो 44th का ये सबको अभी मैंने बता दिया कि कैश बुक इन्वॉल्व्स पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स, ऑप्शन नंबर ए. 45, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को समराइज करती है उसको क्या कहते हैं. तो 45 का ए है ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, बी बीआरएस, सी बैलेंस शीट एंड डी पीएनएल अकाउंट. तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 46, इफ सेलिंग प्राइस इज 8000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4000, द ग्रॉस प्रॉफिट इज ए 6000, बी 8000, सी 4000, डी नील. तो अगर सेलिंग प्राइस 8000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 4000 है, तो अगर जीपी का फॉर्मूला आपको पता है तो जीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो हमारे पास एसपी दिया हुआ है 8000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4000, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो आएगा क्या, 4000. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4000. 47, रिपेयर चार्ज ऑफ फॉर ओल्ड मशीनरी इज, ओल्ड मशीनरी का अगर हम रिपेयरिंग में चार्ज कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो इसको कौन से एक्सपेंस में आता है, ए कैपिटल एक्सपेंस, बी रेवेन्यू एक्सपेंस, सी प्रॉफिट, डी लॉस. तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू एक्सपेंस. ठीक है, 48 क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस इज कंप्यूटेड इन, ए ट्रायल बैलेंस, बी बैलेंस शीट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी ट्रेडिंग अकाउंट. तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो होता है वो कौन से अकाउंट में होता है, सबको पता होगा, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है वो हमारे फिर पीएनएल में होता है. 49 क्वेश्चन, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ, तो ये कौन जो है इंप्लीमेंट करता है, ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, बी सेबी, सी सिडबी, डी आरबीआई. 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए. 50 क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट का पहला स्टेप क्या है, ये हमारे पीए से हमने क्वेश्चन लिया है जो पंचायत अकाउंट सिस्टम का आया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है. ए है टेस्टिंग, बी प्लानिंग, सी रिपोर्टिंग, डी इंटरनल कंट्रोल. तो फाइनेंशियल ऑडिट का फर्स्ट स्टेप होता है ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग. 51 क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इज गवर्नड बाय, ए सीबीआईएस, बी सीबीआईसी, सी सीबीडीटी एंड डी सीबीएसटी. तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है इंडिया में वो कौन गवर्न करता है, 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीबीडीटी. 52 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऑल इनकम ऑफ पर्सन शैल बी क्लासिफाइड अंडर, ए 5 हेड्स, बी 4 हेड्स, सी 3 हेड्स, डी 2 हेड्स. तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 हेड्स. 53, अंडर सेक्शन 87A रिबेट इज गिवन टू द इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम लेस देन 2.5 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख, डी 7 लाख. तो रिबेट दी जाती है उन लोगों को जिनकी इनकम कम है कितने से, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख. 54, व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिवाइड ऑन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, ए 5%, बी 3%, सी 4%, डी 10%. तो क्या है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4%.
55 जीएसटी वॉज अप्लाइड इम्प्लीमेंटेड सॉरी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड अप्लाइड भी चलेगा इन जे एंड के ऑन. तो जीएसटी जे एंड के में कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ए 8 जुलाई 2017, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जुलाई 2016, डी 4 जुलाई 2017. तो सब यहाँ पे 1 जुलाई का सोच रहे होंगे, लेकिन 1 जुलाई को वो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, 2017 को. लेकिन जे एंड के में जो है ये 8 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है. 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट? ए लैंड, बी मशीनरी, सी फर्नीचर, डी रेंट. तो इनमें सबको पता होगा करंट एसेट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेंट. 57, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर? ए प्राइम कॉस्ट, बी ओवरहेड, सी बोर्ड, डी नन. तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर बी ओवरहेड्स. 58, irreversible of or historical cost, यहाँ पे cost आएगा, is also known as a marginal cost, b notional cost, c sunk cost, d explicit cost. तो जो irreversible या historical cost होती है उसको क्या बोलते हैं? 58 का right answer है option number c, sunk cost. 59, which of the following is the recent developments in accounting? A double entry bookkeeping, b social accounting, c both a and b, d professional accounting. 59 का right answer option number b, social accounting. 60, which of the following asset have one day loan and high interest rate with no security? तो इनमें से कौन सा एसेट जो है जो एक दिन का लोन होता है और इसपे हाई इंटरेस्ट रेट होता है और कोई सिक्योरिटी नहीं होती? ए कॉल मनी, बी नोटिस मनी, सी टी बिल, डी लोन. 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉल मनी. अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स पे होंगे. तो 61 क्वेश्चन है, द कर्व बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट इज नोन एज? ए गिफन कर्व, बी लैफर कर्व, सी डिमांड कर्व, डी इंडिफरेंस कर्व. 61 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लैफर कर्व. ठीक है, ये इन्वर्टेड यू शेप होता है और इनकम टैक्स और टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में कर्व बनाया जाता है. 62, द एक्ट विच मेड बैंक्स पावरफुल टू रिकवर देयर बैड लोन्स इज? ए एआरसी, बी सीबिल, सी सरफेस, डी नन. तो ये सबको पता होना चाहिए. एआरसी क्या है? ये एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं. ठीक है, तो पहली एआरसी कौन सी, अगर आप मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे हर एक टॉपिक पे अलग वीडियो है, एमसीक्यूज हैं वहाँ पे, बेसिकली सब एमसीक्यूज पे ही वीडियोज हैं. तो आपको पता चल जाएगा कि पहली एआरसी जो थी एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में कौन सी थी. तो एआरसी तो नहीं है. सिबिल भी आपको पता है कि ये वो होते हैं जो आपके जो भी लोन्स वगैरह होते हैं उनका उन पे नजर रखते हैं, इनके पास रिकॉर्ड रहता है. तो इसका राइट आंसर है सरफेस. ठीक है, सी सरफेस एक्ट जो है इसने बैंक्स को बैड लोन्स रिकवर करने के लिए पावरफुल बनाया है. ठीक है, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. 63, व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो इज रेज्ड इट इज कॉल्ड? ए डियर मनी पॉलिसी, बी नियर मनी पॉलिसी, सी क्लोज मनी पॉलिसी, डी कैश मनी पॉलिसी. तो जिनको भी ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स पता हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है जब इसको बढ़ा दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ए डियर मनी पॉलिसी, और जब ये कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं नियर मनी पॉलिसी. ठीक है, 64, as the income of the person goes up, the rate of tax imposed on the income goes up. This is called, जब income बढ़ेगी तो tax भी बढ़ेगा. इसको क्या कहते हैं? A ad valorem, B sen VAT, C regressive, D progressive. तो ये सबको पता होगा, progressive is the right answer, option number D. और इंडिया जो है वो भी प्रोग्रेसिव जो है वही फॉलो करता है. रिग्रेसिव अभी तक कोई भी कंट्री फॉलो नहीं करती. रिग्रेसिव में जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स कम होता है, तो इसलिए इक्वालिटी रखने के लिए प्रोग्रेसिव ही फॉलो किया जाता है. ठीक है, 65, द ऑर्डिनल अप्रोच फॉर इंडिफरेंस एनालिसिस वॉज गिवन बाय? ऑर्डिनल अप्रोच जो है इंडिफरेंस की एनालिसिस की वो किसने दी है? ए हिक्स एंड एलन, बी मार्शल, सी थ्यूनेन, डी जेबी क्लार्क. तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिक्स एंड एलन. जो कार्डिनल अप्रोच है वो दी है मार्शल ने. ठीक है, और जो ऑर्डिनल है जो कि जिसपे इनडिफरेंस कर्व बनाया है तो वो है हिक्स एंड एलन ने दी है. ठीक है, 66, इनडिफरेंस कर्व टच द बजट लाइन एट अ पॉइंट कॉल्ड? इनडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को टच करता है एक पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं? ए इक्विलिब्रियम, बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, डी ऑल. तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, 67, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट थ्योरी द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप डिसाइड द रेट ऑफ लैंड? ए वीट, बी राइस, सी मिलेट्स, डी कॉर्न. अभी भी बोल रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखनी है एमसीक्यूज पे तो वो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि वहां पे आपको ये सब क्वेश्चंस जो है विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. ठीक है, तो जो रिकार्डो रेंट थ्योरी है वो कौन से क्रॉप बेसिकली उसने बोला था कि रेट ऑफ लैंड डिसाइड होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कॉर्न. ठीक है,
68. In which year did the Narasimha Rao government started economic reforms in order to rebuild internal and external faith in India? तो ए है 1969, बी 1999, सी 1991, डी 1997. तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1991 सी. ठीक है, नरसिम्हा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर वो 1991 में आए थे. 69, अकॉर्डिंग टू बीओपी अकाउंट नेट रिसीप्ट इज इक्वल टू, तो बीओपी सबको पता होगा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है नेट रिसीप्ट किसके इक्वल होती है, ए रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, बी रिसीप्ट प्लस एक्सपेंडिचर, सी इंपोर्ट्स प्लस एक्सपोर्ट, डी नन. तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रिसीप्ट माइनस एक्सपेंडिचर. ठीक है, 70th, आफ्टर पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जब पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, ठीक है, तब उसके बाद जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो कौन सी, इनमें से कौन सी के अंदर आता है. ठीक है, ए नवरत्न, बी मिनी रत्न, सी महारत्न, डी ऑल. तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महारत्न. ठीक है, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे होंगे. तो 71st क्वेश्चन है, द रोजा टेस्ट ऑफ पिक्टोरियल टेक्निक्स कंटेन्स इन पूल्ड विद ए 45 कार्ड्स, बी 12 कार्ड्स, सी 30 कार्ड्स, डी 10 कार्ड्स. तो रोजा टेक्निक जो है इसमें इंक बोल्ट में कितने कार्ड्स होते हैं, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 कार्ड्स. 72, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ए जॉन ग्रांट, बी पी सी महालनोबिस, सी ए एल बाउली, डी रोनाल्ड फिशर. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पी सी महालनोबिस. ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, मैंने अभी पहले पूछा था जिन्होंने ये आंसर दिया था तो वो राइट है. 73 क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस इज ए स्पेशल, बी मैग्नीट्यूड, सी टेम्पोरल, डी सीजनल. ठीक है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी लिखा है. तो सी जो है टेम्पोरल डाटा जो होता है इसी को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ अकरेंस. 74th क्वेश्चन, द एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स इज ए मीन, बी मीडियन, सी मोर, डी ऑल. तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीन. 75, इन यूल्स कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन मेथड 0.521 वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए पॉजिटिवली एसोसिएटेड, बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली एसोसिएटेड, सी वीकली एसोसिएशन, डी इंडिपेंडेंट. 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली एसोसिएटेड. 76, विच इज द आइडल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ए बाउलीज, बी लास्पियर, सी पास्चेस, डी फिशर. तो आइडल मेथड कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी फिशर्स. ठीक है, 77, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स ए गुड्स ओनली, बी गुड्स एंड सर्विसेज, सी सर्विसेज ओनली, डी नन. तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या मेजर करता है, ऑप्शन नंबर ए गुड्स ओनली. और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो करता है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. 78, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, ए अर्ली एक्सपेंडिंग, बी लो फ्लक्चुएटिंग, सी हाई फ्लक्चुएटिंग, डी डिक्लाइनिंग. 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाई फ्लक्चुएटिंग. 79, विच स्टेट इन इंडिया हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट, ए गोवा, बी यूपी, सी हरियाणा, डी बिहार. तो लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी बिहार. 80th, क्रूड बर्थ रेट इज द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक बर्ड्स पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, सी नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पीपल एंड डी नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 100 पीपल. तो यहाँ पे क्या है 80th का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है. 81st, लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सी बोथ, डी नन. 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. 82, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज ए यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बेस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, डी यूनिवर्सल स्पेसिफिक बस. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस. 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड टॉगल कीज, ए कैप्स लॉक, बी ए नम लॉक, बी कैप्स लॉक, सी नन, डी बोथ. 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ. 84, कमांड यूज टू क्विट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए Alt plus F4, B Alt plus F5, C Alt plus F7, D Alt plus F1. 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Alt plus F4. 85, abacus was invented by, abacus किसने इन्वेंट किया था, ए हरमन हॉलरिथ, बी टिम क्रैनर, सी पास्कुलिन, डी ग्रेस हूपर. तो abacus किसने इन्वेंट किया था, टिम क्रैनर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. 86, what is the extension of Excel file? Excel file की extension क्या है? A .xlxs, B .xls, C .xlx और D .elx.
तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉट एक्स एल एक्स एस। 87 विच प्रोग्राम कंप्रेसिज लार्ज फाइल्स इंटू स्मॉलर वंस, ए पेरोल सॉफ्टवेयर, ठीक है, बी डीटीपी, सी विनजिप, डी बिटगिन। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनजिप। 88 हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ए क्रिस्टोफर शोल्स, बी चार्ल्स फेबेज, सी एलन ट्यूरिंग, डी हेनरी रॉबर्ट। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हेनरी रॉबर्ट। 89 इलेक्ट्रिकल पाथवे इन कंप्यूटर इज नोन एज, ए बस, बी पाथ, सी फायरवॉल, डी फेच। तो जो कंप्यूटर का इलेक्ट्रिकल पाथवे होता है उसको क्या कहते हैं, 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बस। 90th फर्स्ट वायरस दैट स्प्रेडिड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम वॉज, ए वॉर्म, बी क्रीपर, सी ट्रोजन, डी अल क्लोनर। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल क्लोनर, ठीक है। सॉरी, साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 91 क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ अ सेल इज, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म, डी क्लोरोफिल। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। 92 क्वेश्चन, सोनार स्टैंड्स फॉर, इज साउंड नेविगेशन एंड रिकॉग्निशन, बी साउंड नेविगेशन आफ्टर रेंजिंग, सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, डी नन। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 93 क्वेश्चन, विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स, ए फॉलिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी ऑल। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड। 94 स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर, ए aorta, बी veins, सी arteries, डी capillaries। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी capillaries आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। तो लार्जेस्ट कौन सी है कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में से है लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। 95 हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, ए डायमंड, बी लाइमस्टोन, सी ग्रेफाइट, डी कोल। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायमंड। 96 इथियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, ए बीस, बी फॉसिल्स, सी फिशेस, डी मैमल्स। तो इथियोलॉजी किसकी स्टडी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी फिशेस। 97 क्वेश्चन, विच सरफेस डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ए मैट सरफेस, बी ब्लैक सरफेस, सी रफ सरफेस, डी प्लेन सरफेस। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सरफेस। 98 वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट, ए पोल्स, बी इक्वेटर, सी ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, सी डी ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पोल्स। 99 विटामिन क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, विटामिन के इज द राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन, एड्स डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन, ए फर्स्ट जनवरी, बी फर्स्ट सितंबर, सी फर्स्ट दिसंबर, डी फर्स्ट मार्च। तो एड्स डे जो है वो हर साल कौन से दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट दिसंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम इंग्लिश। तो 101 क्वेश्चन है, कैन यू सी डैश वैन, तो इसमें क्या आएगा, ए है द, बी ए सी एन, डी नन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैन यू सी द वैन, ठीक है। 102 है, दिस इज डैश एक्सीलेंट पेंसिल, तो ए है ए, बी डी, सी नो वोवल, डी एन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिस इज एन एक्सीलेंट पेंसिल, वो एंड में हमने क्वेश्चन मार्क गलती से डाल दिया, वो नहीं आएगा, ठीक है। 103 अलोक माइट डैश वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, तो अलोक माइट डैश में क्या आएगा, ए हैज बीन, बी हैड बीन, सी हैव बीन, डी बीन। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैव बीन, अलोक माइट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ओके। 104 द प्रिंसिपल डैश पनिशमेंट टू ऑल 10th क्लास बॉयज, ए हैज गिवन, बी गेव, सी गिवन, डी गिव। 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गेव, द प्रिंसिपल गेव पनिशमेंट टू ऑल 10th क्लास बॉयज। 105 यू डैश बी किडिंग व्हेन यू से शी इज अ गुड राइटर, तो ए है मस्ट, बी ऑट, सी कुड, डी वुड। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मस्ट, ठीक है, यू मस्ट बी किडिंग व्हेन यू से शी इज अ गुड राइटर। 106 सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो वर्ड क्या दिया है, बीट, बीट का सिनोनियम क्या है, ए लॉस्ट, बी गिव अप, सी फेलियर, डी डिफीट। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी डिफीट, ठीक है। 107 चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ड दिया है टेंडर, तो ऑप्शन ए है सॉफ्ट, बी प्लीज्ड, सी रफ, डी च्यूएबल। तो टेंडर का जो है एंटोनियम क्या है, ऑप्शन नंबर सी रफ, ठीक है।
108 क्वेश्चन है, मंजू हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसको चेंज करना है हमने, ठीक है। तो ए है दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय मंजू, बी है दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व बाय मंजू, सी दिस प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व बाय मंजू, और डी है दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय मंजू। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व बाय मंजू। 109, आई डिडंट परचेज डैश एट द मॉल, तो ए है नथिंग, बी माई थिंग, सी समथिंग, डी एनीथिंग। तो इसमें राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, आई डिडंट परचेज एनीथिंग एट द मॉल। 110 है, डैश आई हैव सम कैंडीज फ्रॉम योर टेबल प्लीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए है माइट, बी मे, सी वुड, डी कुड। तो यहाँ पे 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मे आई हैव सम कैंडीज फ्रॉम योर टेबल प्लीज। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से और लास्ट 10 क्वेश्चन से, तो एंड में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके। 111 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 2.2 एंड बी इज 9.11। तो 111 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 9.4, बी 11.4, सी 13.4, डी 15.4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11.4। ये हमने क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली पंचायत अकाउंट सिस्टम के एग्जाम को देखते हुए ही लिए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने वो पेपर सॉल्व किया है घर आके, ठीक है, अच्छे से, तो उनको ये क्वेश्चंस आते होंगे। 112 क्वेश्चन है, लेट अस अज्यूम दैट सेट ए इज इक्वल टू 1.2.3.4 एंड सेट बी इज 3.4.5.6.7, फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ए है 1.2.3.4.5.6.7, बी है 5.6.7, सी है 1.2.3.4 एंड डी है 1.2.5.6.7। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये सेम क्वेश्चन जो है पंचायत के पेपर में आया है। 113, let us assume that a student is chosen from a random sample of 80 students, out of which 30 have opted for maths, 20 opted for physics, 10 opted for both maths and physics. Find the probability that the student has opted for either maths or physics. A hai half, B 1/2, C 2/1/2 and D 3/1/2. So 113 ka right answer hai option number A 1/2. 114, a car manufacturing company is having a demand of 100 cars in the month of September, 200 cars in the month of October, 300 cars in the month of November and 400 cars in the month of December. Which one of the given options represent a 3-month moving average for the month of January? A 300, B 350, C 400, D 450. 114 ka right answer option number A 300. 115, the area of the triangle formed by the lines x is equal to 3, y is equal to 4 and x is equal to y is a 2 square unit, b 4 square unit, c half square unit, d 1 square unit. So 115 ka right answer hai option number c half square unit. 116, the system of equations 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus ky is equal to 10 has infinitely many solutions, then k is equal to a 7, b half, c 4, d 6. So 116 ka right answer option number d 6. 117, probability is expressed as a percentage, b ratio, c proportion, d all. तो probability express किस में होती है? Option number b, ratio. 118, classical probability is also known as, classical probability को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? A priorly probability, b statistical probability, c empirical probability, d none. तो 118 का right answer है option number a, priorly probability. 119, if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a 0 matrix, B identical matrix, C symmetric matrix, D skew symmetric matrix. So 119 ka right answer hai option number D, skew symmetric matrix. 120, the number of distinct elements in a finite set is called A ordinal numbers, B symmetric numbers, C cardinal numbers, D none. 120 ka kya hai right answer? Option number C, cardinal numbers. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप सबने अच्छा स्कोर किया होगा, प्लीज आप जरूर बताइएगा अपना स्कोर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके, और जिनको भी कोई भी डाउट्स थे, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे। और आप जो ये जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है, सेक्शन वाइज, ये हमारी प्ले लिस्ट में हर सेक्शन के ऊपर जो है बहुत से MCQs वीडियो से आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम। ये मॉक टेस्ट लाने का यही एक तरीका था कि आप सब बच्चे जो है अपना फाइनल स्कोर देख पाते कि हर सेक्शन में आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है, और जिनको थोड़ा भी लैक हो रहा है किसी भी सेक्शन में तो वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर वीडियोस देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।